बच्चों, अब हम उदाहरण 24 को हल करेंगे। यहाँ पर हमें जो संख्याएं दी हुई हैं वो है 92 और 107। 92 गुणित 107, आप देख रहे हैं ये दोनों उदाहरण, ये दोनों संख्याएं पहले वाले उदाहरणों से थोड़ी सी अलग हैं। यहाँ पर एक संख्या 100 से छोटी है और दूसरी संख्या 100 से बड़ी है, यानी एक जगह आपको विचलन ऋणात्मक मिलेगा और दूसरी जगह पर विचलन आपको धनात्मक मिलेगा। यहाँ पर दोनों संख्याओं के लिए आप देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं 100 के पास की हैं, इसलिए हम इस सवाल के लिए मानेंगे कि इन संख्याओं का आधार 100 है। अब हम यहाँ लिखें संख्या और उसका विचलन, आधार 100 से। पहली वाली संख्या 92 है और आप देख रहे हैं कि 92 100 से 8 कम है, तो यहाँ पर हम विचलन ऋण 8 लिखेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए आप लिख सकते हैं कि 92 माइनस 100, 92 ऋण 100, जो आपको ऋण 8 के बराबर मिलता है। इस तरह से आप विचलन का निर्धारण कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 92 संख्या के लिए विचलन ऋण 8 है। वैसे ही दूसरी संख्या जो 107 है, 100 से इसका विचलन धन 7 के बराबर है। अब आपको फिर से देखना है कि उत्तर का दाहिना भाग जो विचलनों का गुणा होता है, 8 7 का गुणा 56 हुआ, लेकिन एक संख्या ऋणात्मक है तो ये जो 56 है वो ऋणात्मक होगा, और इसका मतलब है कि इसको आपको पूरी संख्या जो यहाँ मिलेगी, जितने सैकड़े हजार और 10 हजार मिलेंगे, ये कुल इसको जो भी संख्या मिलेगी आप उसको कुल सैकड़ा कैसे, इतने सैकड़े हमें मिले, उस पूरी संख्या में से आपको 56 को 56 को घटाना पड़ेगा। और बाएं हिस्से को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि विचलन में हम इन दोनों का योग कर दें, या एक संख्या पहली वाली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ें, तो 92 में आप 7 को जोड़ेंगे तो आपको 99 मिलेगा, या 107 में आप 8 को घटाएंगे तब भी आपको 99 मिलेगा, या फिर आधार 100 में आप ऋण 8 करें और धन 7 करें, ऐसा करने पर भी आपको 99 ही मिलेगा। तो ये जो 99 हमको प्राप्त हुआ वो हमारे उत्तर का बायां भाग है, मतलब कुल सैकड़े को दिखाता है। तो 6 इकाइयाँ, 5 दहाइयाँ, ये कुल 56 इकाइयाँ और 99 सैकड़े हमें प्राप्त हुए। अब वास्तविक उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें इस 99 100 की पूरी संख्या, 99 सैकड़े हैं तो इसे आप 9900 लिख सकते हैं, इसमें आपको 56 घटाना होगा। 56 घटाने पर आपको मिलेगा, 10 में 6 घटाया तो हमें 4 मिलेगा। यहाँ आप एक संख्या यहाँ 6 बढ़ाते हैं तो 10 में से 6 गया, 4 आपको मिलेगा, या आप चाहें तो इसे 9 करें, 9 में से 5 आप घटाएं तो आप कह सकते हैं आपको 4 मिला, और फिर एक यहाँ कम होगा और आपको मिलेगा 98। इस तरह से जो आपको संख्या मिलेगी वो मिलेगी 9844, जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। आप एक बार अपने से भी इस सवाल को हल करिए और देखिए आप इस उत्तर तक पहुँच पाते हैं कि नहीं।